Excuse me, old man. Bhai saab. Bhai saab, ye bola wo sar ka kaatte hain. Wo abhi raja ne bola na, ki sar kaatne ke baad ye body ka kya karte hain? बॉडी बोले तो अपना ये टॉर्सो टॉर्सो ये टॉर्सो क्या शरीर शरीर सर काटने के बाद ये शरीर का क्या करते हैं सर चिल को खिला देते हैं सर चिल को खिला देते हैं और शरीर शेर को सर चील को और शरीर शेर को इन दोनों का तो कफन दफन का भी कोई चांस नहीं है हेलो कहां है तू और तेरे वो पिट्ठू हमको जेल में फंसाए के बेटा बाहर बहुत मजे में घूम रहा है ना अब अपनी खैर मनाओ कहा है कि हमारी बेल होने वाली है हां अरे तोरी तकदीर अच्छी थी कि वो दिन बुलडोजर से वो दीवार नहीं गिरी अब के पुलिस से छुप के तो उस दीवार में 36 छेद करके सुरंग बना के तेरी छाती में घुस जाऊंगा तंदूर में भून के तुमको और तुम्हारे दो साथियों को खा जाऊंगा हम नॉट पॉसिबल बलराम जी उन दोनों का तो बुकिंग हो चुका है बुकिंग हां सर चील को और धड़ शेर को हां फिर कभी ओके वी आर सॉरी बलराम जी ये कमाल 21वीं सदी का फोन यहां कैसे चल और अबे गया ये 10वीं सदी में भी हार्ट अटैक होता था क्या आहा वाह वाह ये तो चमकने के साथ घूमती भी है ये घड़ी है इसमें अमेरिका लंदन जापान सबका टाइम मेरा मतलब वक्त दिखता है अबे ये इंडिया नहीं जानता और तू अमेरिका और जापान की बातें कर रहा है पार्लियामेंट सेशन की तरह अपना टाइम पास कर रहा हूं तो अपना काम करना यार काम कैसा काम काम बड़े काम की है ये घड़ी हां दिखाता हूं ये देखो ये घंटे की सुई ये मिनट की सुई हां ये सेकंड की सुई ये 1 2 3 12 60 मिनट का एक चक्कर और अगर ये चक्कर चल जाए तो हम यहां से 9 2 11 हो सकते हैं समझे गन चक्कर ओ छी अज्जू मेरे दोस्त विक्की गुड बाय गुड बाय गुड बाय क्यों मैं भी तो तेरे साथ ही कट रहा हूं ना हां पर मैं जाऊंगा स्वर्ग और तू जाएगा नरक मेरे बिना ही स्वर्ग चला जाएगा क्या याद है मैं कैसे बीएससी छोड़ के तेरे साथ होम साइंस करने के लिए आ गया था हां याद है तो चल मैं भी तेरे साथ नरक ही चलता हूं और बोल भाई साहब यहां आखिरी ख्वाहिश तो पूछी जाती है ना नहीं पानी पिलाया जाता है ताकि गला गीला हो जाए और आराम से कट जाए समझे ये सब तेरी वजह से हुआ है कहा था मुझे शूटिंग दिखाएगा कहा था ये सब एक्टर हैं और तेरे डायरेक्टर की जगह ये कमीना डिक्टेटर सेनापति खड़ा है यहां पर हेलो भाई साहब ये नहीं सुनेगा अज्जू डायरेक्टर जब कभी कट बोलता है
तो कभी कभी रीटेक भी ले लेता है। लेता है ये कट बोलेगा तो फाइनल कट नो रीटेक। अज्जू सर सीधा रख वरना गर्दन गलत कट जाएगी। हाँ। सर कटा नहीं और यमदूत भी आ गया। और बच्चों ये वाहन बिना हाथी बिना घोड़े के चलेगा। ये वाहन ईंधन की शक्ति से चलेगा और आने वाली सदी में यही यात्रा का साधन होगा। हाँ, और इस आविष्कार के बाद तुम्हारे ज्ञानी जी यानी के हम युगो युगो तक याद रखे जाएंगे। ले आ गई दीवार। ओह गॉड, थैंक गॉड। चल विक्की गाड़ी दीवार के अंदर घुसा दे, जैसे आते वैसे निकल जाएंगे। कम ऑन। लेकिन अगर दीवार नहीं खुली हा? और दीवार से टकरा गया तो? अरे नहीं कुछ होगा यार, और फिर ट्राई तो करना पड़ेगा ना, तू फिक्र मत कर। अरे होगा तो अपना ही टाटा हो जाएगा यार। लगता है अपुन का ग्रेव इधर ही खुदेगा यार। अबे ग्रेव नहीं, यहाँ सर चील खाएगी, धड़ शेर खाएगा। चल चल भाग ले, भाग। चलो उधर से नहीं, इस तरफ से। अरे ये कहाँ आ गए यार? मुझे लगता है 10वीं सदी का सुपरमार्केट है ये। हाँ? पहले दीवार से आर पार निकले और अभी ये। ये क्या हो रहा है यार, हाथ में ही नहीं आ रहा है। जो दिखता है वो होता नहीं। कौन है यार? और जो होता है वो दिखता नहीं। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी आंटी नहीं, जादू करनी हीरा का हूँ। पापा पर आपकी आपकी शक्ल तो तुम्हारी डी आंटी से मिलती है। जानती हूँ वो औरत मेरा ही पुनर्जन्म है। 21वीं सदी के हर प्राणी की तरह मैं हर सदी में अलग अलग रूप अलग अलग नाम से जन्म लेती हूँ। कभी हीरा का, कभी सबा मिर्जा, कभी सिमरन कौर, तो कभी मिस डिसूजा।
तो आप जानती हैं कि हम लोग 21वीं सदी से आए हो। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम लोग उस दीवार के माध्यम से आए हो और उसी रास्ते से तुम लोगों को वापस भी जाना होगा। कोशिश तो वही कर रहे थे। प्लीज तुम अपन को 21st सेंचुरी में पहुंचा दो ना। तुम तो मैजिशियन हो ना, तुम्हारा डंडी घुमा के हमारा इधर से टाटा करवा दो प्लीज। ऐसा हो सकता है लेकिन 12 दिन बाद। वो क्यों? क्योंकि वो दीवार 100 साल बाद पूर्णमासी के 12 घंटे बाद पल भर के लिए खुलकर बंद हो जाती है। बंद हो जाने के ठीक 15 दिन पश्चात सूर्य उदय के साथ वो पल भर के लिए खुलकर फिर 100 साल के लिए बंद हो जाती है। इसलिए अगले 12 दिनों तक तुम लोग यहीं रहोगे मेरे पास। थैंक यू। और जब यहाँ रह रहे हो तो यहाँ के बन के रहो। मेरे भाइयों, मेरे देश की बहनों और भविष्य का बोझ उठाने वाले ये प्यारे प्यारे बच्चे, ए बच्चा तुम यहाँ सुनो, गोटी का खेल रहा है, कमाल है यार। तो हम ये कह रहे थे, अरे तुम गोटी छोड़ो ना बच्चा, ऐसी इमारत इसकी दीवार हमारे देश की धरोहर है, हमारी राष्ट्र संपत्ति है और इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। और अगर ये राष्ट्र संपत्ति की बेटा सका नाम तो विदेश दो दिन जेल की हवा क्या खाई? भारत देश में आके राष्ट्रीय धरोहर क्या होती है? हिंदुस्तान को हिंदुस्तान सब आपकी वजह से सर। कल जिसे तोड़ना चाहता था आज उसकी रक्षा कर रहा है और उसकी सुरक्षा का काम भी चल रहा है। ए काम चल रहा है ना? देखा था, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है उसकी सुरक्षा का काम। इसलिए आइए मेरे साथ कसम खाइए कि जो भी देश की किसी इमारत को गिराने की कोशिश करेगा हम उसको गिरा देंगे। जो भी बीच में रुकावट बनेगा, दीवार बनेगा, हम उस दीवार में छेद कर देंगे। ए दीवार में छेद हुई कि नहीं? देखा था, इतना देखा था यार। अरे क्या मुसीबत है, भूचाल आ गया, पिंडाल गिर गया, पर ये दीवार नहीं गिरती।